की आयो भाभेनो याद करतो है मुके मंच पर विराजमान गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री श्रीमान विजय रूपाणी जी, मंत्रिपरिषद के मेरे साथी श्री नितिन गडकरी जी, पवन राधाकृष्णन जी, मनसुख मांडविया जी, राज्य के उप मुख्यमंत्री श्री नितिन भाई पटेल, कंडला पोर्ट ट्रस्ट के ट्रस्टी श्री आरसी फर्दू, श्री मावजी भाई सुरठिया, श्री भरत राजगोर, भारत सरकार में हमारे साथी सचिव श्रीमान राजीव कुमार भाई रवि और उपस्थित भाई और बहनों, कंडला एक प्रकार से लघु भारत है, मिनी इंडिया है। और आज एयरपोर्ट से कंडला पोर्ट तक आने के रास्ते भर आप सब ने जिस प्रकार से स्वागत सम्मान किया, एक प्रकार से आपने सड़क के दोनों किनारों पर आबेहूब भारत खड़ा कर दिया था, मैं आपके इस प्यार के लिए, इस स्वागत सम्मान के लिए आपका बहुत बहुत आभारी हूं। ये शब्दों में कहने की जरूरत नहीं है कि कच्छ के साथ एक मुख्यमंत्री के कार्यकाल के दरमियान मेरा लगाव कैसा था, बार बार आपके बीच आना होता था, कच्छ की धरती में एक ताकत है, दो सौ साल पहले भी अगर कोई कच्छी दुनिया के किसी छोर पे गया होगा, परिवार चौथी पांचवी पीढ़ी होगी, लेकिन अगर बीमार हो जाए तो उसका मन करता है कच्छ चले जाए, तबीयत ठीक हो जाएगी। हम कच्छ के लोग पानीदार तो है, पर बिना पानी जिंदगी गुजारते रहे। पानी का महत्व क्या होता है ये कच्छ के लोग भली भांति समझते हैं। विराट समंदर, मरुभूमि, पहाड़, गौरवपूर्ण इतिहास, 5000 साल पुरानी मानव संस्कृति के सबूत, कच्छ के पास क्या कुछ नहीं है। न सिर्फ हिंदुस्तान को, दुनिया को देने की ताकत इस धरती में है, और दुनिया को मैग्नेट की तरह आकर्षित करने का सामर्थ्य इस धरती में है।
अभी नितिन जी बता रहे थे कि आज जो वैश्विक अर्थव्यवस्था का रूप है, विश्व व्यापार का महात्म्य जिस प्रकार से बढ़ रहा है, उस कंपटीशन में अगर भारत को हमें आगे बढ़ाना है, इस वैश्विक अर्थव्यवस्था का लाभ उठाना है, विश्व व्यापार में भारत ने अपनी जगह पक्की करनी है, तो भारत के पास उत्तम से उत्तम व्यवस्था वाले बंदरों का होना बहुत जरूरी है। ये कंडला पोर्ट और आज जो चीजें वहां निर्माण हो रही हैं, एक प्रकार से कोई सोच सकता है क्या कि इतने कम समय में आज कंडला पोर्ट पूरे एशिया में प्रमुख बंदरों में उसने अपनी जगह बना ली है। पिछले एक दो साल में चाहे लिक्विड कार्गो हो चाहे ड्राई कार्गो हो, पोर्ट सेक्टर में काम करने वाले हर कोई समझते हैं कि इसका जो ग्रोथ है वो पोर्ट सेक्टर की अर्थनीति को जानने वाले लोगों के लिए बड़ा ही सरप्राइज कर रहा है। ये अचीवमेंट किया है हम, और धीरे धीरे पोर्ट पर काम करने वाले लोगों को भी लगने लगा है, यूनियन चलते हैं चलते रहेंगे, लेकिन मिलजुल करके अगर हम इस पोर्ट की ताकत को बढ़ाते हैं, एक ताकत है इंफ्रास्ट्रक्चर की, दूसरी ताकत है एफिशिएंसी की, ट्रांसपेरेंसी की, और उससे इतना बड़ा परिणाम देश को मिल सकता है जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। अभी नितिन जी बता रहे थे ईरान के साथ चोबर पोर्ट, उसका एक निर्णय हम लोगों ने किया है, उस पोर्ट का सीधा संबंध कंडला के पोर्ट के साथ आने वाला है। चाबहार पोर्ट और कंडला पोर्ट, इन दोनों का जुड़ना, इसका मतलब यह होता है कि विश्व व्यापार में अंगद की तरह कंडला अपना पैर जमाएगा, इतना बड़ा परिवर्तन आने वाला है। आज कंडला पोर्ट को मैकेनाइज करने की दिशा में कुछ कदम उठाए जा रहे हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए 14 और 16 बर्थ के विस्तार और विकास के लिए योजना बन रही है, और बदलते हुए युग में पोर्ट सिटी का कंसेप्ट, डेवलपमेंट का एक इकोनॉमिकल एक्टिविटी का एक व्यवस्था, उस दिशा में भी योजना बन रही है, ट्रांसपोर्टेशन को बल मिले, और इसलिए उस प्रकार के मार्ग की रचना
जो ट्रैफिक को स्मूथ करे, हिंदुस्तान के कोने कोने में हमारा सामान तेजी से पहुंचे, जिस प्रकार से समुंदर में टर्न अराउंड टाइम, कोई जहाज आए खाली हो या भरे और कितने दिन में आगे चला जाए, इसमें जितना समय कम लगता है उतनी एफिशिएंसी की गणना वैश्विक स्तर पे होती है। आज भारत में उस टर्न अराउंड टाइम को कम करने के लिए हमारे नितिन जी के नेतृत्व में अनेक इनिशिएटिव लिए गए हैं। इस टर्न अराउंड टाइम को कम करने में एक व्यवस्था होती है, पोर्ट से बाहर निकलने के बाद आपके सारे ट्रक्स कितनी तेजी से आगे बढ़ जाते हैं। अगर आगे बॉटल नेक होगा तो टर्न अराउंड टाइम के लिए पोर्ट में कितनी ही टेक्नोलॉजी हम लाएं, रुकावट बनी रहेगी। और इसलिए आपने देखा होगा कि आज कंडला पूरे गुजरात के हिसाब से देखें तो भी एक कोने में एक छोटा सा नगर, देश के हिसाब से तो ध्यान भी नहीं जाए, लेकिन आज कंडला में करीब करीब 1000 करोड़ रुपयों के इन्वेस्टमेंट के प्रोजेक्ट आ रहे हैं। एक हजार करोड़ ये कोई सामान्य रकम नहीं है, हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी तेजी से आगे बढ़ेगा। अभी वो बता रहे थे कि रोड का काम है, हम 2 साल में टारगेट किया है। मैं नितिन जी को बता रहा था, हिंदुस्तान में रोड के सेक्टर में नितिन जी ने जो गति लाई है, कई वर्षों तक हिंदुस्तान ने यह गति देखी नहीं है। तो मैंने उनको कहा कि आपकी जो विशेषता है, आपकी जो क्षमता है, उसका लाभ गुजरात को भी तो मिलना चाहिए। तो उन्होंने मुझे कहा कि मुझे क्या कर रहा है। मैंने कहा ये रोड बनाने का काम 24 महीने नहीं 18 महीने में पूरा करके दिखाओ। और मुझे विश्वास है नितिन जी को इशारे इशारों में कह दें तो भी वो उस काम को पूरा कर देते हैं, तो मुझे विश्वास है हो जाएगा। आज यहां बाबा साहब आंबेडकर के नाम से एक कन्वेंशन सेंटर भी बन रहा है, विशाल भूभाग में बन रहा है, यहां के लोगों की आवश्यकता के अनुसार बन रहा है। लेकिन मैंने उसका जो प्लान देखा तो मुझे लगता है शायद रवि बड़े डरते डरते बनाया है। उसको लगता है पता नहीं इतने पैसे कहां से आएंगे, कैसे होगा। तो मैंने नितिन जी को कहा है कि ऐसा छोटा मत करो, उसे कुछ नए सिरे से सोचो। उन्होंने कहा कि मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं सोच करके बताता हूं। तो ये कन्वेंशन सेंटर भी, क्योंकि जिस प्रकार से कच्छ का डेवलपमेंट हुआ रहा है, आज हिंदुस्तान में कोई एक डिस्ट्रिक्ट तेज गति से आगे बढ़ रहा है तो उस डिस्ट्रिक्ट का नाम कच्छ है। और कोई कल्पना कर सकता है 1988 में भयंकर साइक्लोन ने हमको तबाह कर दिया था, 2001 भूकंप ने हमें जमीन दोस्त कर दिया था, लेकिन इस मिस्ट्री की ताकत देखिए, यहां के लोगों की खुमारी देखिए, आज कच्छ फिर से चल पड़ा। और कंडला ये न सिर्फ हिंदुस्तान गुजरात की अर्थव्यवस्था का केंद्र बिंदु बन सकता है, यातायात की दुनिया में कंडला पोर्ट
हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था में भी एक अहम भूमिका निभा सके, इस परिस्थिति में काम कर सकता है। और हम भी उस दिशा में इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। भारत की सामुद्रिक व्यापार की विरासत हजारों साल पुरानी है। लोथल में 5000 साल पहले सामुद्रिक व्यापार का इतना बड़ा केंद्र था, उसके बगल में वल्पी यूनिवर्सिटी थी। उस वल्पी यूनिवर्सिटी में 80 से ज्यादा देशों के बच्चे पढ़ते थे। और लोथल का जो पोर्ट था, बंदर था, कहते हैं कि 84 देशों के झंडे वहां हमेशा दिखाई देते थे हजारों साल पहले। इस देश में दरियाई जहाज बनाने का काम कच्छ में हमारे पूर्वजों की विरासत रही। हम दुनिया को जहाज देते थे यहां से, ये ताकत थी हमारी। इस सामर्थ्य को फिर से जीवित किया जा सकता है। आज कांडला पोर्ट पे इमारती लकड़ी बहुत बड़ी मात्रा में आती है और हमारे कच्छी लोग हिंदुस्तान के कोने में लकड़ी के व्यापार में भी लगे हुए हैं। ये इमारती लकड़ी का वैल्यू एडिशन कच्छ की धरती पर हो सकता है। दुनिया से लकड़ी आ जाए, उस पर आर्ट वर्क हो, मैन मेड कला उस पर लगे, फिर दुनिया में वापस जाए, घर बने, बिल्डिंग बने, मकान बने, मंदिर बने, पूजा घर बने, दुनिया को बहुत बड़ी भेंट सौगात यहां से डेवलप की जा सकती है। नमक का व्यापार समुद्री मार्ग से जितना ज्यादा हम कर सके उतना खर्च कम आएगा। तटीय जल परिवहन, 7,500 किलोमीटर समुद्री तट हो तो फिर हमें रोड और रेल से हमारा सामान क्यों ले जाना चाहिए? क्यों न समुद्री तट से ही, एक जहाज से ही हिंदुस्तान में ही कलकत्ता सामान भेजना होगा तो यहीं से समंदर के मार्ग से कलकत्ता क्यों न जाए? पूरे हिंदुस्तान को चीर करके जाने की जरूरत क्या है? ये पूरा बदलाव, व्यवस्था में परिवर्तन लाने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं, जिसका लाभ आने वाले दिनों में मिलने वाला है। हमारे नितिन जी का एक ड्रीम है लोथल में भारत की जो महान ताकत है उसका विश्व को परिचय हो, इस प्रकार का एक म्यूजियम कैसे बने। विश्व व्यापार की दृष्टि से मैरिटाइम यूनिवर्सिटी का काम महत्वपूर्ण है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का काम महत्वपूर्ण है। और अभी मुख्यमंत्री जी बता रहे थे कि उन्होंने मैरिटाइम यूनिवर्सिटी का ऑलरेडी असेंबली के अंदर बिल भी पास कर दिया है। मेरी उनको शुभकामनाएं हैं। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का ये काम वो न सिर्फ गुजरात को समुद्री तट के लाभ का होगा, वो हिंदुस्तान के समुद्री व्यापार के लिए भी एक ताकत के रूप में उभरेगा, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। भाइयों बहनों, 2022 भारत की आजादी के 75 साल हो रहे हैं। मैं आज जब कांडला की धरती पर आया हूं, कांडला के लोगों को, कच्छ के लोगों को, गुजरात के लोगों को, देश के लोगों को बार बार ये कहना चाहूंगा कि 2022 जब भारत की आजादी के 75 साल हो रहे हैं, हम देश के उन वीर सपूतों को याद करें, उन महापुरुषों को याद करें जिन्होंने आजादी के लिए अपनी जिंदगी खपा दी थी। कई महापुरुष थे जवानी जेलों में खपा दी, कई महापुरुष थे जो फांसी के तख्त पर चढ़ गए, कई महापुरुष थे चार चार पीढ़ी परिवार की तबाह कर दी कि देश आजाद हो। इसके लिए उस आजादी के 75 साल 2022 में हम कैसे मनाएंगे?
एक नागरिक के नाते हम भी तो संकल्प करें कि हमें आजादी के जंग में लड़ने का मौका नहीं मिला था, लेकिन भारत को दुनिया में सिरमौर बनाने के इस विकास की यात्रा में शरीक होने का हमें सौभाग्य मिला है, हम भी कुछ सकारात्मक करेंगे। हम कुछ न कुछ ऐसा करेंगे एक नागरिक के नाते जो 2022 में देश को नई ऊंचाई पर ले जाने में मेरा योगदान माना जाए, मुझे संतोष हो। संस्था हो तो वो भी करे, चैंबर है तो वो भी करे, नगर पालिका है वो भी करे, पंचायत है तो वो भी करे, राज्य सरकार है तो वो भी करे, हर कोई अपने आप को संकल्पबद्ध करे। और अभी 5 साल हमारे पास है, 5 साल में कुछ करके दिखाएं और तब जाकर के 2022 को मनाएं। इस संकल्प के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं जैसे हमने सोचा है। इस देश के गरीबों की जिंदगी में बदलाव लाना, चाहे गैस के चूल्हे का कनेक्शन हो, चाहे गरीब की झोपड़ी में बिजली पहुंचाने का प्रयास हो, 2022 तक हमारा सपना है हिंदुस्तान के गरीब से गरीब परिवार को भी रहने के लिए अपना खुद का घर हो। और घर में बिजली भी हो, घर में पानी भी हो, घर में शौचालय भी हो, ऐसा घर उसको मिले, ये बहुत बड़ा सपना लेकर के काम चला रहा है। ये वर्ष पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्म शताब्दी का वर्ष है। भारत के गरीब से गरीब व्यक्ति, अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्ति का कल्याण कैसे हो, इस विचार को केंद्र में रखते हुए उन्होंने देश को एक नया चिंतन दिया था। आज देश पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्म शती मना रहा है, तो मैं कंडला पोर्ट ट्रस्ट को, नितिन जी को, उनके विभाग को एक सुझाव देना चाहता हूं कि क्यों न हम, ये कंडला पोर्ट है उसको दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट कंडला विधिवत रूप से उसकी प्रक्रिया करें, निर्णय करें और दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट कंडला के रूप में, क्योंकि गरीबों के लिए काम करना है। दीनदयाल वो गरीबों के पहचान का शब्द है हमारे देश में। जो दीनदयालु है वो भाव अगर हमारे सामने रहेगा तो हम निरंतर समाज के दबे कुचले, शोषित, पीड़ित, वंचित, उनकी जिंदगी में बदलाव लाने के लिए काम कर सकते हैं। मैं फिर एक बार कच्छ की धरती में मुझे फिर एक बार आपके बीच आने का सौभाग्य मिला, आप सब इतनी बड़ी मात्रा में आकर के मुझे आशीर्वाद दिए, इसके लिए मैं आभारी हूं, नितिन जी का आभारी हूं कि इस कार्यक्रम में मुझे शरीक होने का सौभाग्य मिला। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके ओजस्वी मार्गदर्शी संबोधन के लिए हृदय तल से आपका आभार प्रकट करते हैं हम सभी। भारत माता की जय जयकार।